हम सभी जानते हैं जो वीवो है आज के समय में बहुत ही बड़ा ब्रांड हो चुका है, यहाँ तक की बात करें तो वो सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया है और वो इंडिया में वो दूसरे नंबर पे आ गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए वीवो ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है अपने यूजर्स के लिए और उनके एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तो फिलहाल मुंबई में थाने जो है वहाँ पर एक एक्सपीरियंस स्टोर खोला है जो कि काफ़ी सुंदर है और एक तरह से देखा जाए तो बहुत कुछ उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर एक्सपीरियंस स्टोर है क्या और इससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं और आप इसका एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले जब आप गेट के अंदर चलते हैं तो उसमें आपको काफी लोग मिल जाएंगे कि आपको स्वागत करने लिए रखा गया है। उसके बाद आप जाएंगे तो सबसे पहला काम जो इनके जो फ्लैगशिप टेबल है, एक तरह से कहिए कि ये फ्लैगशिप टेबल है, वहाँ पे उनके फ्लैगशिप मोबाइल रखे हुए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी टेबल में ही कीबोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि फ़ोन में क्या क्या फीचर है। एक भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पेपरलेस है। आप वहाँ से अपने आप चला के भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि फ़ोन लेने लायक है कि नहीं है, सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा। अब आप अगर फ़ोन मूड बना लेते हैं कि फ़ोन खरीदना है तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि भाई चलो इसकी एसेसरीज देख लेंगे। तो उसके बाद आप एसेसरीज लेने जाएंगे तो वहाँ पे जो भी वीवो के लेटेस्ट एसेसरीज होंगे वो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके बाद एक अलग से टेबल बना गया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर टेबल है, यानी कि जो अब 5G फ़ोन आने वाले हैं इस टेबल के लिए लगाया गया है। तो ये काफ़ी है, आप यहाँ पे कोई भी फ़ोन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इसलिए इस स्टोर का नाम एक्सपीरियंस लिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसको आप परचेज करना है, किसी भी प्रोडक्ट को या गेमिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या सपोज करिए आपने फ़ोन ख़रीद लिया तो अब आपके दिमाग में आया कि यार हमारे जो पुराने फ़ोन में है डाटा उसका क्या करें, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एक आदमी बैठाया गया है, आप उनके पास जाइए और वो आपका जो भी पुराने फ़ोन में डाटा होगा उसको नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करेंगे, सब कुछ आपको वहीं से सही करके दिया जाएगा। सपोज़ करिए आपका फ़ोन ख़रीद लिया, सब कुछ कर लिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो आपको कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी रूम भी बनी हुई है, वहाँ से जाइए आप कॉफ़ी पीजिए और साथ में आपको वहाँ पे गेमिंग रूम भी बना है, वहाँ गेमिंग का मज़ा लीजिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। हाँ, अभी ये केवल थाने जो मुंबई में है वहीं पे अवेलेबल है और जल्द अगर ये इनका प्रयोग अच्छा रहा तो आगे कई शहरों में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है, अगर आप मुंबई में हैं तो इसका एक्सपीरियंस का जाके तो आप जाके एक्सपीरियंस स्टोर का एक्सपीरियंस लीजिए और अपना एक्सपीरियंस